हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वीपी स्टडी पॉइंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है केमिकल क्लासिफिकेशन। कल हमने हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा होमोजीनस। तो होमोजीनस क्या होता है? ए मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। एक कोई भी मटेरियल है उसको हम होमोजीनस कब कहेंगे? अगर उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, वो स्थिर है और उसके पास आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा है हमारे पास हेटरोजीनस। ए मटेरियल इज सेड टू बी हेटरोजीनस इफ इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड नॉट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एक कोई भी जो मैटर है, उस मटेरियल है, उसको हम हेटरोजीनस कब कहेंगे? अगर उसके पास जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो कम है और कोई भी स्थिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। फिर है हमारे पास एलिमेंट। एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड विच वी कैन नाइदर बी ब्रोकन इंटू एन नॉर वी बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। तो क्या है कि एक एलिमेंट यू को एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसकी? प्योर सब्सटेंस जो है उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, और जिसको ना ही हम तोड़ सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में और ना ही उसे सिंपलर सब्सटेंसेस से दोबारा बना सकते हैं। और एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक जो एटम है वो एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल होते हैं, और ये जो पार्टिकल हैं ये एटम या मॉलिक्यूल कोई भी हो सकते हैं। फिर है कंपाउंड। ए कंपाउंड इज़ ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सूटेबल केमिकल मेथड्स। कंपाउंड एक ऐसी चीज़ होती है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है लेकिन इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो एक साथ कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, और जिनको कि हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सूटेबल केमिकल मेथड के थ्रू। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपाउंड की वो डिफरेंट होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे, और दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब जो ये कंपाउंड्स हैं ये भी हमारे टू टाइप के होते हैं, तो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दीज आर द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन होता है और कुछ अदर एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कौन से होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन एनी टू और मोर एलिमेंट्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई दो या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। फिर है हमारा मिक्सचर। ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या था कि उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो हमारा मिक्सचर है दो एलिमेंट्स जो हैं लेकिन वो एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर, लेकिन हमारा मिक्सचर जो है इसमें भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ही हैं लेकिन उनकी जो रेशियो है मिक्सिंग की वो कोई भी फिक्स्ड नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर कैन सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो हमारा मिक्सचर है ये अपने दोबारा से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट सकता है सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। तो होप गाइज कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।